सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आपको तो पता ही होगा जो अपना फिस्ट एंड जंप वाला ट्रिक था यार, कितना ज़्यादा पॉपुलर था और इसे हर एक बंदा यार करने लग गया था, क्योंकि सभी बंदों को ये ट्रिक पता चल गई थी और सब लोग इसे यार मैच में यूज़ कर रहे थे। और अब क्या हो रहा है यार, जब से अपना 2.5 अपडेट आया है, ये ट्रिक यार फिक्स हो गया है और बंदों के फुट साउंड जो है वो एनिमी इजली सुन ले रहे हैं। और जो बंदा फिस्ट एंड जंप का यूज़ करता था यार, उसकी आदत जा ही नहीं रही। सो इस वीडियो में आपकी आदत तो नहीं सुधारने वाला, लेकिन हाँ, आपको टॉप 3 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसका आप अगर यूज़ करोगे तो आपकी जो फुटस्टेप साउंड है वो एनिमी को नहीं आने वाले। तो चलिए चलते हैं पहले ट्रिक की ओर, बताता हूँ कि ट्रिक है क्या। सो जैसा कि आप मेरे को देख सकते हो कि यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का मूवमेंट दे रहा हूँ और मेरा जो करेक्टर है ऐसा लग रहा है स्लाइड हो रहा है, और देख तो मेरे जो कदम है बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है आगे पीछे, बिल्कुल एक जगह खड़ा हो रहा हूँ और बस बैठ रहा हूँ और देख तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो इससे आपको यार फुटस्टेप साउंड नहीं आने वाला। तो देखो इसे करना कैसे है, आपको क्या करना है, आपको जॉयस्टिक बढ़ाते ही आपको क्राउच भी करना है सेम टाइम पे, और देख मैं जैसे जॉयस्टिक आगे कर रहा हूँ सेम टाइम पे क्राउच भी दबा रहा हूँ, और इसी तरीके से आपको मूवमेंट देते रहना, और इससे आपका जो साउंड है बिल्कुल भी एनिमी को नहीं आने वाला। तो देखो मैं आपको POV भी दिखा देता हूँ, अगर एनिमी आपके सामने इसको करेगा तो उस कैसा साउंड आने वाला है। सो जैसा कि आप देख सकते हो, आप भी इस ट्रिक को जल्दी से जल्दी यार प्रैक्टिस कर लो और इसके फ़ायदे यार इन गेम उठा सको। सो चलिए चलते हैं सेकंड ट्रिक की ओर। सो इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक मॉलीटॉप की ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसे सिंपल आपको कुक कर लेना है, और फिर देखता हूँ मैं आपको करना क्या है। आपको कुछ इस तरीके से मूवमेंट करते हुए आपको जंप दबाते हुए चलना है, और इससे आपका साउंड बिल्कुल भी नहीं आने वाला। सो देख सकते हो जैसे ही मैं आगे जॉयस्टिक कर रहा हूँ आपको उसी टाइम पे जंप भी दबाना है। तो अब मैं आपको इसकी साउंड सुना दे रहा हूँ कि साउंड कैसा आ रहा है। सो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इसका साउंड हल्का हल्का आ रहा है, लेकिन ये जो साउंड है वो एनिमी को नहीं आने वाला। सो चलिए चलते हैं थर्ड ट्रिक की ओर, जो कि लास्ट ट्रिक है। तो देखो इस ट्रिक को करने के लिए क्या आपको करना है, आपको पैन की ज़रूरत पड़ने वाली है। पैन को सिंपल यार आपको थ्रो पे कर देना है, तो देख सकते हो मैंने थ्रो पे कर दिया है। अब आपको इसे कुक कर लेना है, और कुक करने के बाद आपको क्राउच दबा देना है एंड उसी के साथ पी का बटन दबा देना है, और देख सकते हो आपको बस इतना नहीं करना, आपको यार जॉयस्टिक का भी ध्यान रखना है, आपको आगे पीछे करके नहीं चलना क्योंकि इससे आपका साउंड आने वाला है। आपको क्या करना है, 310 डिग्री पे आपको जॉयस्टिक कर देना, और कुछ इस तरीके से आपको चलना है और अपने आई बटन से देखना है अगर देखना है तो। और देख तो इसका ट्रिक आप यार इसका उसके लिए कर सकते हो, मान लो कि आप अपार्टमेंट में हो, आप ऊपर वाले फ्लोर पे और बंदे कहीं पे भी नीचे या ऊपर हो, आप इससे ये कर सकते हो कि आप इस रूम से उस रूम में जा सकते हो और आपका बिल्कुल भी साउंड नहीं आने वाला। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सो इन तीनों ट्रिक को जो मैंने आपको बताया है ना यार, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और यार आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना, और आपको कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आया। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और जितने बंदे नए हो चैनल पर यार सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन ऑल तक कर दो। सो मैं मिलता हूँ किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।